हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज में। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों आपके सामने हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमारे वेक्टर चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स के अंदर जो वेक्टर के एप्लीकेशन हो सकते हैं, हम उन सब एप्लीकेशंस की बात करेंगे। बच्चों आइए जानते हैं कि लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास में वेक्टर का, उसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग बनाएंगे। एक प्रॉब्लम आपके सामने बच्चों हम लोग लेकर आए हैं। प्रॉब्लम ये है कि दो वेक्टर हम लोगों को गिवन है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमसे पूछा गया है कि द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इज। बच्चों बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और देखिए कि ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। स्पेशली नीट एग्जाम, नीट एस्पिरेंट्स जो है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी प्रॉब्लम को करने का तरीका ये है कि ये जो ए वेक्टर होता है ना बच्चों, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, और यही ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। बच्चों ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि ये जो ए क्रॉस बी है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आप लोगों से कहा गया है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इज, यानी ए के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर निकालना है। इसका मतलब है कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी निकालने के बाद में आपको उसका यूनिट वेक्टर बना देना है। तो वो जो यूनिट वेक्टर बनेगा वही ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी फर्स्ट और थर्ड प्रॉब्लम का आंसर हम लोगों को मिल चुका है। पहले हम लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है। ये ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ये ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। फिर इसका यूनिट वेक्टर बना देंगे तो दोनों आंसर हम लोगों के निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है। दोनों का आंसर सेम रहने वाला है स्टूडेंट। चलिए और अब हम लोग निकालते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हमारे सामने रहने वाली है। ओके स्टूडेंट, देखिए ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड आई कैप जे कैप के कैप। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को पता होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। आई का कॉफिशियंट 2 है, ये 2 है, यहां पर 1 है, यहां जे का कॉफिशियंट 1 है, यहां भी 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। आई का कॉफिशियंट 2 यहां पर, ये भी 2 यहां पर, समझ आ रही है बात। यहां पर आई का कॉफिशियंट 1 है, ऐसे ही जे और ऐसे ही के कॉफिशियंट हम लोगों ने लगाए। चलिए वैल्यू निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले आई कैप को हम लोग पकड़ते हैं। आई कैप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 एलिमेंट हमारे पास में बचेंगे। हम इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0। 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 1 1 − 1 0। ओके बच्चों, अब हम लोग लेते हैं जे कैप को माइनस के साथ, माइनस के जे कैप। जे को हमेशा माइनस के साथ स्टूडेंट लिया जाएगा, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जे आने वाला है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 − 1 यानी 1। फाइनली हमारे पास में आने वाला है के कैप। के कैप फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम में रहने वाला है। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 − 1 यानी 1। सो हमारे पास जो कंडीशन बनी बच्चों वो बनी है ये, माइनस के जे कैप प्लस के कैप। ए क्रॉस बी हमारे पास में बन चुका है ये, माइनस के जे प्लस के। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर इसी से, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा बच्चों यूनिट वेक्टर। कितना होगा मैग्नीट्यूड? जे के सामने 1 है, के सामने 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 यानी अंडर रूट 2। तो हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर बनेगा ना बच्चों,
वो बनेगा ये माइनस के जे कैप प्लस के के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, यानी ये यूनिट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर रहने वाला है और बी के भी परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो देखिए बच्चों क्या आंसर आप लोगों के सामने बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है स्टूडेंट कि भाई आंसर जो हम लोगों के सामने बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस के जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। ठीक है, चलिए माइनस के जे कैप प्लस के के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। माइनस के जे कैप स्टूडेंट ये जे कैप है, ठीक है, आई कैप नहीं है, जे कैप है, तो ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पर भी ये माइनस के जे कैप है बच्चों, ठीक है, मिस्टेक से लिखा हुआ है आई कैप, ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, माइनस के जे कैप प्लस के के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। ओके, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, बहुत ही आसान है, ए वेक्टर आपके पास में है उसी के मॉड से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बन जाएगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बन जाएगा। ए वेक्टर आपके पास में ये है, इसका मॉड कितना आएगा, टू स्क्वायर फोर, वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन, यानी सिक्स। सो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये बच्चों, ठीक है, इसका मॉड बनेगा अंडर रूट सिक्स, जब इस वेक्टर को इसी से डिवाइड करेंगे तो ये करेक्ट आंसर बनेगा। ये आई की जगह बच्चों जे है सब जगह, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोगों को करेक्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, सो फाइनल आंसर बना हमारे पास में ये, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर जो ए के पैरेलल है ये, और यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है वो है ए क्रॉस बी। पहले हमने ए क्रॉस बी बनाया, फिर उसी का यूनिट वेक्टर हम लोगों ने बनाया बच्चों।